हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो आज का हमारा जो वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे कि हमारे सर्किट में जो बक और बूस्ट कॉइल लगे रहते हैं, इस बक और बूस्ट में आप डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं अपनी मल्टीमीटर के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे पास दो मल्टीमीटर है अलग अलग, ठीक है। एक साधारण है, एक हमारा न्यू LCR मल्टीमीटर है। तो चलिए हम इस मल्टीमीटर से भी कॉइल को हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा कॉइल रियली में अगर मदरबोर्ड से बाहर भी हो तो हम जान सकते हैं कि कौन सा हमारा बक कॉइल है और कौन सा हमारा बूस्ट कॉइल है। तो चलिए, हम लोग आ गए हैं मदरबोर्ड पे और इस मदरबोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मल्टीमीटर में से कॉइल को किस तरह से हम लोग कन्फर्म करते हैं कि कौन सा कॉइल हमारा किस तरह से चेक किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग साधारण मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं तो ये कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है कि हमारा कॉइल सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉइल को बाहर कर लेते हैं और आपको डिफरेंस दिखाते हैं। किसी भी मदरबोर्ड पे से कंपोनेंट्स को बाहर करने के लिए आप 300 का टेम्परेचर रख सकते हैं, 3 का एयर रख सकते हैं। ठीक है, एक कॉइल हमने यहाँ से लिया और एक कॉइल हम दूसरी जगह से लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने 3 कॉइल लिया है। ठीक है, 3 कॉइल है हमारे पास, तीनों को मैंने एक जगह कर दिया। अब देखिए कि हम इसमें से कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा हमारा बक है और कौन सी हमारी बूस्ट है। ठीक है, जैसा कि अभी हम नॉर्मल मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए, ये भी हमारा बीप दे रहा है और 0 ओम आ रहे हैं, ये भी हमारा बीप कर रहा है 0 ओम आ रहा है, ये भी हमारा बीप कर रहा है 0 ओम आ रहा है। तीनों कॉइल में हमारा सेम वैल्यू है, तीनों में सेम बजर है, जिससे कि कहना मुश्किल है कि भैया कौन सा कॉइल हमारी बक है और कौन सी कॉइल हमारी बूस्ट है। क्योंकि बक और बूस्ट कॉइल अलग होते हैं, क्योंकि दोनों की हेनरी में फर्क होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मल्टीमीटर की तरफ, जो कि LCR मल्टीमीटर है। इससे हम क्लियर करेंगे कौन सी हमारी बक है और कौन सी हमारी बूस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस कॉइल को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका जो हमारा रीडिंग है 11 किक समथिंग कुछ हेनरी हमारा निकल रहा है। और दूसरे पे हम चलते हैं तो ये देखिए 735, यानी 1 हेनरी से भी ये कम है। और इसको जब हमने चेक किया तो ये भी हमारी 899, यानी 1 हेनरी के समथिंग में है। तो अब आप इसमें से मुझे बताइए कि कौन सा इसमें हमारा बक है और कौन सा बूस्ट है ना। तो अगर आपको जानकारी होगा तो ये जो हमारी कॉइल है, ये जो कि हमारा 10961 के करीब आ रहा है, ये हमारी बूस्ट कॉइल है। देखिए, ये हमारी बूस्ट कॉइल है और ये दोनों कॉइल जो है ये बक कॉइल है, क्योंकि बक कॉइल 1-2 हेनरी से ज़्यादा नहीं होता है और बूस्ट कॉइल 4 से लेकर के 20-22 हेनरी तक का होता है। तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि हमारी कौन सी कॉइल बक है और कौन सी कॉइल बूस्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ साधारण मल्टीमीटर से काम करते हैं और आपके पास बहुत सारी कॉइल है, तो आप उनमें से डिफिनेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा कि हमारी कौन सी कॉइल बक है और कौन सी कॉइल बूस्ट है। तो इसीलिए आज मैंने आपको दिखाया कि जब हमारे पास अलग अलग मल्टीमीटर होते हैं तो हमारा जो रिपेयरिंग है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कंपोनेंट्स को हम देख करके नहीं, चेक करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।